ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக் சேனலோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆஜ் ஹம் திஸ் ஃபேமஸ் ஒர்க் த விஷன் ஆஃப் வில்லியம் கன்சர்னிங் த பியர்ஸ் த ப்ளோமேன் பை வில்லியம் வெலங்கன். இஸ்கி பாத் கரேங்கி, ஜிஸ்கி டிமாண்ட் ஆப் மே சே கிசி ஃப்ரெண்ட் நே கமெண்ட் பாக்ஸ் மே கி தி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆப்கா பஹுத் பஹுத் தன்யவாத். மே ஆப் லோகோ கே கமெண்ட்ஸ் படத்தா ஹூன், இஸ்ஸே முஜே பஹுத் ஜாதா இன்ஸ்பிரேஷன் மில்தி ஹை, பஹுத் ஜாதா மோட்டிவேஷன் மில்தா ஹை, ஓர் மே ஓர் அச்சே அச்சே வீடியோ பனானே கி கோஷிஷ் கர்த்தா ஹூன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அகர் ஆப்கோ கிசி பி டாபிக பர் வீடியோ பனானா ஹோ தோ ஆப் ப்ளீஸ் நீச்சே கமெண்ட் பாக்ஸ் மே ஜரூர் லிகியே. தோ ஆஜ் கா ஹமாரா ஜோ டாபிக் ஹை, த விஷன் ஆஃப் வில்லியம் கன்சர்னிங் த பியர்ஸ் த பை வில்லியம் லேனர்ட். இசி கே ஊப்பர் யூஜிசி நெட் பர் க்வெஸ்சன் ஆயா ஹுவா ஹை, கி யூஜிசி நெட் மே க்வெஸ்சன் ஆயா தா கி ஹி விஜன் இஸ் போயம் கா த பியர்ஸ் த ப்ளோமேன் கா பூரா நேம் கியா ஹை, வாட் இஸ் த கம்ப்ளீட் நேம் ஆஃப் த பியர்ஸ் தி ப்ளோமேன். तो फ्रेंड्स, इसके पर पहला क्वेश्चन तो यही अटेम्प्ट हो जाता है, द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग द पियर्स डिप्लोमा. इसके तीन टेक्स्ट हैं, ए टेक्स्ट, बी टेक्स्ट और सी टेक्स्ट. ए टेक्स्ट में 13 सेक्शंस हैं, इसका जो बी टेक्स्ट है उसमें 20 सेक्शंस है और जो सी टेक्स्ट है उसमें 23 सेक्शंस है. कुछ लोग कहते हैं कि इसका एक जेड टेक्स्ट भी अवेलेबल है, पर उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. इस पोइम को समझने के लिए हम, ये पोइम दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसका फर्स्ट पार्ट है विजियो, विजियो मतलब विजन, और सेकंड पार्ट है फीटा, विटा मतलब लाइफ. जो विजन है इसके अंदर प्रोलोग प्लस फर्स्ट 7 पॉसेस अटेंड किए जाते हैं. पॉसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ, पॉसेस का मतलब होता है स्टॉप. जैसे आपने अगर मेरा रेप ऑफ द लोग वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कैंटो, सेम, क्योंकि कैंटो का मतलब स्टॉप होता है, ये पॉसेस का मतलब भी स्टॉप होता है. ये एक लैटिन वर्ड है जिसका विवरण मैंने अपनी लैटिन वर्ड्स, लैटिन रूट वाली वीडियोस में भी डाला है, आप वहां से भी लैटिन वोकैबुलरी को सीख सकते हैं. अब आज जो मैं इस पॉइंट को पढ़ेंगे, ये पॉइंट जो है मैंने बी टेक्स्ट लिया इसका आपको एक्सप्लेनेशन के लिए. बी टेक्स्ट में इस पॉइंट को कुछ विजन्स में डिवाइड किया जाता है. तो इसका फर्स्ट विजन है, सबसे पहले जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रीमर. तो ड्रीमर जिसने सपना लिया, क्योंकि एक ड्रीम पॉइंट है, तो ड्रीम पॉइंट का मतलब यही होता है कि एक किसी पर्सन को पहले जमाने में क्या होता था, मिडिवियल पीरियड में ड्रीम पॉइंट्स लिखी जाती थी, कि कहीं आपको कोई सपना आता था उस सपने पर एक पॉइंट लिख देते थे आप. तो इसमें ड्रीमर का नाम है लॉन्ग विल. एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो जाता है हमारा कि लॉन्ग विल. फिर कहता है कि विजन कहां लिया गया था, तो सर विजन लिया गया था मेलबर्न हिल पर. मेलबर्न हिल पर ही बंदा घूमते फिरते सो जाता है, तो उसे एक टॉवर का सपना आता है. देखिए इसमें जो जितने भी वर्ड्स हैं, ट्रूथ, रीजन, ये सब को सब इसने पर्सोनिफाई कर रखे. इसे एक सपना आता है कि सर एक तरफ एक टावर है जो ट्रूथ का, जहां पे ट्रूथ रहता है, और एक तरफ एक बड़ी गहरी डंजन, एक बड़ी गहरी डंजन है जहां पर कुछ लोग जो है अपने दोनों के बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते में कुछ लोग अपना काम पर, एक फोक, एक भीड़ जो है वो अपना काम पर जा रही है. यहां पे हमारा विजन फर्स्ट खत्म होता है. विजन सेकंड में क्या होता है कि विल, एक जो मैंने आपको बताया लॉन्ग विल, वो एक सरमन देखता है. जो सरमन कौन देता है, रीजन देता है. इसके बाद में वो क्या देखता है, कन्फेशन देता है. कन्फेशन कौन करते हैं, सेवन डेडली सिंस करते हैं. ये सेवन डेडली सिंस वही है जो डॉक्टर फॉस्टर्स के वीडियो में हमने बताए हैं. किसी भी प्ले को मॉरलिटी का प्ले देने के लिए, मॉरलिटी देने के लिए वो सेवन डेडली सिंस का यूज करते थे. अब इसमें जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, वो एक पिलग्रिमेज देखता है, तीर्थ यात्रा देखता है. पिलग्रिमेज तो वो बच्चन, तो जिन्होंने प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स वाला वीडियो देखा उनको पता है पिलग्रिमेज होती है तीर्थ यात्रा. तो तीर्थ यात्रा में वो क्या देखता है कि पियर्स द प्लोमैन. अब ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर. देखिए वैसे क्वेश्चन तो यही आना चाहिए कि सर इसमें पियर्स द प्लोमैन कौन था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पियर्स द प्लोमैन जो था वो क्राइस्ट था, और ह्यूमन फॉर्म में, क्राइस्ट ह्यूमन फॉर्म में इसमें आता है पियर्स द प्लोमैन. और उसके बाद में ये क्या देखता है कि ये पिलग्रिमेज पे जाता है, और पिलग्रिमेज में इसको पार्डन, पार्डन एक जिसे हम कह सकते हैं एक पेपर है जो ट्रुथ देता है,
पेपर सेंट बाय ट्रूथ। अब ये पेपर क्या आता है, ये पेपर को ले लेता है, लेकिन वहां पर एक प्रीस्ट होता है जो इसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन करता है। इस क्वेश्चन में दोनों में डिस्कशन होता है, दोनों में आर्गुमेंट होता है, और उस आर्गुमेंट से जो विल है वो जान रहता है। अब हमारा है विजन 3 में विल जो है वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों भी पर्सोनिफाई है, इनकी मदद से ट्रुथ को सीक करने की, ढूंढने की कोशिश करता है। इसमें हमने पॉजल लिए हैं, पॉजल 6, 8 to 12, जिसमें हमें क्या मिलता है कि वो विल जो है वो थॉट से, विट से, स्टडी से, कलर्की से, स्कल्पचर से, रीजन से, सबसे ये डिस्कस करता है, कंसल्ट करता है कि हाउ टू सीक द ट्रुथ। विजन 4 और 5 में हम क्या देखते हैं, इसकी जो थीम है वो है चैरिटी। इसमें पॉसेस जो हैं 13 to 18 आते हैं। इसमें जो क्राइस्ट है, पियर्स जो है वो क्राइस्ट के रूप फॉर्म में हमें दिखाई देता है, क्राइस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्राइस्ट हमें वो दिखाई देता है। अब विजन 6 में जो है वो विजन 6 जो है वो हमें पैशन के बारे में बताता है कि क्राइस्ट का कितना पैशन था, किस तरह से वो उसके बाद में वो हमारे ह्यूमन काइंड की, मैनकाइंड की हेल्प के लिए आया था क्राइस्ट, और उसकी डेथ के बाद में हॉरोइंग ऑफ हेल, वो मौत के डर के बारे में पता है। पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि मौत में कैसा, हेल में क्या सीन दिखाए जाते हैं। विजन 7 और 8 में हमें क्या पता चलता है कि हमें ये दिखाया जाता है कि हमें जो एक्शन ऑफ क्राइस्ट है उनको हमें हमें पुट करना है, हमें अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट टू पुट द एक्शन ऑफ क्राइस्ट, अटेम्प्ट टू पुट प्रैक्टिस ऑफ द एक्शन ऑफ द क्राइस्ट। ठीक है सर, इसके बाद में पोइम का जो एंड है, एंड में क्या होता है, कंसाइन जो चेतना होती है इज गोइंग टू फाइंड द पियर्स, वो जाकर पियर्स को ढूंढती है। पोइम जो है वो बहुत ज्यादा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस पोइम की साइटेशन थी जो जॉन बुल, जो कि पीजेंट रिवोल्ट का एक फेमस लीडर था, उस फेमस लीडर ने इसको, इस पोइम को साइटेड किया था उसके अपने, जो उसने अपने भाषण दिए थे, उन भाषणों में इसने इनका यूज किया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, मैं UGC नेट की ऑनलाइन कोचिंग भी देता हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। टेलीग्राम से अगर आपको इनका PDF लेना हो तो प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि इंग्लिश विद छगन अरोड़ा के नाम से है, आप उसे टेलीग्राम में सर्च कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी फ्रेंड्स का भला हो। आपका दिन शुभ।